तेरा परफॉर्मेंस है एकदम असली जादूगरनी की तरह। ओह माय गॉड, वो कौन थी? वो तो हमारे ड्रामे की जादूगरनी नहीं है, तो फिर वो कौन है? बच्चों चलो। कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई साहब, आपको चोट लगी है और खून नहीं बह रहा है, चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी की जान खतरे में, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज हटिए मेरे रास्ते। प्लीज आप बात को नहीं समझ रहे हैं, आपको चोट लगी है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी जान मेरी बेटी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज 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 हटिए हटिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है भाई? मेरी मेरी बेटी की जान खतरे में और ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, प्लीज इनसे कुछ कहिए ना, प्लीज। इतनी जल्दी क्या आपको? और माथे पे चोट? देखिए मेरी बेटी की जान बहुत खतरे में, अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो उससे मार डालेगी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। कौन ले जाएगा आपकी बच्ची को? क्या हुआ आपकी बेटी को, क्या हुआ, किधर है? सर हमने सारा ऑडिटोरियम चेक कर लिया पर खुशी का कोई पता नहीं है। लेकिन वो थी कौन जो बच्ची को उठा कर ले गई, जानती थी उसे? अरे ढूंढो उसे, ढूंढो। आराम से आओ। सोनिया क्या हुआ तुम्हें? बैठो यार, बैठो। सोनिया तुम ठीक हो ना? हाँ, खुशी कहाँ है, क्या हुआ इसे? ये मुझे वहाँ बेहोशी की हालत में मिली। क्या हुआ सोनिया, बोलो क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, जैसे मैं स्टेज पे जाने के लिए मेकअप रूम से बाहर निकली ना, तो एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी जो बिल्कुल मेरे जैसे पंख मेरे जैसे मेकअप में थी। उसने मेरे ऊपर कुछ किया और मैं ना बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं मालूम मुझे। हमें खुशी के फादर को कॉल करना होगा। हेलो, क्या कब? देखा, अरे कहा था ना मुझे जाने दीजिए, वो लेकर चली गई मेरी बच्ची को। कौन लेकर चला गया आपकी बेटी को? बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। आप एक काम करो, आप इन लोगों के साथ जाओ, मैं इधर देखता हूँ। भाई इसको ले। बकवास बंद करो अपनी, पता नहीं कहाँ होगा मेरा दिल। काली परी, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? तुम्हें पता है दिल कहाँ है? हाँ, मेरा दिल तो मेरे अंदर है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मेरा दिल कहाँ है बताओ? आपका दिल आपके पास ही होगा ना, मुझे कैसे पता? पता नहीं किसे उठा कर ले आई, ये वही है या कोई और? परी, मुझे जाने दो ना प्लीज। मेरा दिमाग मत खाओ। मैं आपका दिमाग क्यों खाऊंगी? मुझे भूख तो लगी है, मगर इतनी नहीं। पता है काली परी, मेरे पापा मुझे लेने आने वाले थे, सर्कस दिखाने वाले थे, बड़े बड़े हाथी। चुप, एकदम चुप, चुपचाप जाओ, उतर बैठ जाओ और अपना मुंह बंद करो, परेशान मत करो मुझे। मैंने थोड़ी ना कहा था कि मुझे यहाँ पे लेके आओ। चुप से आई है, एक मिनट भी चुप नहीं बैठती। ये वो लड़की कैसे हो सकती है? इसमें तो एक भी वो वाली बात नहीं है, गलत लड़की को उठा लाई। काली परी, अगर आप जाने दोगे तो मैं आपको टॉफी दूंगी और पापा से कहूंगी
आपको भी सर्कस दिखाने ले जाए। चुप, एकदम चुप, वहां जाके बैठो, जाओ। मुझे एग्जैक्टली बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था। सर हम लोग स्टेज प्ले कर रहे थे सर, खुशी भी वहीं स्टेज पे ही थी। अचानक वो जादूगरनी वहाँ पे आई, उड़ती हुई, उसके कपड़े भी पूरे काले काले थे सर, और उसके बड़े बड़े पंख थे काले, वो खुशी को उड़ा कर ले गई सर। कैसे कह सकती है कि वो एक जादूगरनी थी? बहुत सिंपल सी बात है सर, कोई भी नॉर्मल इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है जैसे वो उड़ रही थी। हाँ अंकल, हमने भी उस जादूगरनी को हवा में उड़ते हुए देखा था और उसने खुशी को उठा रखा था। कौन हो सकती है? तुम्हें याद है एक्सीडेंट के टाइम पे खुशी के फादर ने कहा था कि उनकी बेटी की जान खतरे में? आई डाउट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ मालूम है। उन्हें से पूछते हैं। हटिए हटिए प्लीज, एक सेकंड हटिए, आप लोग यहाँ से प्लीज हटिए हटिए, हटिए प्लीज। बच्ची को कुछ पता चला गया? कभी उसी का पीछा कर रहा, शायद उसको मालूम है उसकी बेटी को कौन ले गया। अच्छा, पटक चले देखते हैं। जल्दी जयवंत, जल्दी। पीछे से पीछे से, हाँ ले 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 ले। दूर नहीं गया होगा, इधर किधर ही होगा। मेरे को परेशानी वाले में किस बात की हो रही है? ये बच्ची के जज्बात में बह गया ना, ये कोई बलता कदम नहीं उठा ले। खुशी बेटा, पापा आ रहे हैं, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुजू को इस वक्त हमारे सपोर्ट की जरूरत है। कभी कुछ भी हो, जिस किसी ने भी खुशी को किडनैप किया है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वो कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। We have to find her. इसका मतलब मैं गलत नहीं थी, ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। पापा, आप आ गए। पापा। रोशना, खुशी का हाथ छोड़ दो। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत सारे हिसाब करने बाकी। क्या चाहती हो तुम?
क्यों क्यों कर रही हो ये सब? अच्छा तुम्हें नहीं पता, फिर चलो ठीक है मैं ही बता देती। तुम्हें तो बच्ची चाहिए ना, तो फिर मेरा दिल तो वापस करना होगा। तुम्हारा दिल मेरे पास नहीं है, प्लीज मेरी बच्ची मुझे दे दो। तुम तब भी झूठे थे, तुम आज भी झूठे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे दिल के बारे में कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। अच्छा झूठ नहीं बोला, याद दिलाऊं? कुसुम, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाकर मुझे सारी दुनिया मिल गई है। देखना, एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन मेरी खुशियां और मेरी दुनिया तुम्ही से शुरू होती हैं और तुम्ही पे खत्म हो जाती है। ना इतने सारे लोगों में से एक तुम ही तो हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या है मुझमें? शायद तुम्हारा प्यार, वरना इतने सारे लोगों में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिस पर मैं भरोसा कर पाई। क्यों? ये जादुई जंगल कुदरत ने मुझे यहाँ इसकी हिफाजत के लिए भेजा। कुसुम, लगता है दुश्मनों ने जंगल पर हमला कर दिया है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुसुम तुम्हें जाना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम इन लोगों से अकेले नहीं निपट सकते। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये जंगल के पास वाले राज्य के लोग हैं, इस जादुई जंगल का गलत फायदा उठाकर दुनिया पर राज करना चाहते हैं। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं इस तरह तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कुसुम मेरी फिक्र मत करो,
मैं इन लोगों से निपटने के लिए अकेले ही काफी। ठीक तो हो? तुमने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। अकेले तुमने तुमने पूरी सेना को हरा दिया। मैं तो डर गया था तुम्हारे लिए। कुजू, मुझे ना ही कोई हरा सकता है ना कोई मार सकता है। रोशना, लेकिन इतनी ताकत तुम में आई कहां से? ये एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। समझ गया मैं। आज भी मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं और तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा नहीं करती। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो। तुम ठीक ठाक वापस आ गई, मेरे लिए बस यही बहुत है। चलता हूं। रुको, मेरे साथ चलो। कहां? प्यार में सवाल नहीं पूछते। ये तुम मुझे कहां लेकर आई? आज मैं तुम्हें वो राज दिखाने जा रही हूँ जो दुनिया में और कोई नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, मेरा विश्वास हो और मेरी जिंदगी हो। ये क्या है? दरअसल मेरे पास अपना कोई दिल नहीं, यही वो दिल है जो मुझे शक्ति देता है, मुझे ताकत देता है। जब तक ये दिल है ना, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो ये है इसका सीक्रेट, इसी की तो मुझे तलाश थी। इस जंगल पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। रोशना, आज मुझे यकीन हो गया कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम मुझसे करती हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे आज अपना सबसे बड़ा राज बता दिया। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा।
आवाज है? शायद दुश्मन की सेना इसी तरफ आ रही है। बेटी जादुई जंगल की रानी, तुम्हारा राजयोग इस जंगल पर खत्म हो चुका है और मेरा शुरू हो चुका है। कुजू, तुम? कुजू नहीं, महाराज कुजू। इसका मतलब तुमने इसका मतलब ये कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और यहाँ तो प्यार और जंग दोनों ही थे, है ना? तुम भी औरों जैसे निकले ना। जादुई जंगल पर कब्जा करने के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने तुम पर विश्वास करके अपना राज बताया और... एक राज तुमने मुझे अपना बताया, इसलिए एक राज मैं तुम्हें अपना बता देता हूं। जंगल के पास वाले राज्य का राजा मैं ही हूं, और तुम पर उस दिन हमला भी मैंने ही करवाया था। झूठे धोखेबाज! सिपाहियों, इन्हें ले जाओ, लेकिन प्यार, आखिर ये हमारी भूतपूर्व रानी है, और हाँ, इनकी जान लेना, लेकिन बहुत प्यार से संभल कर, क्योंकि ये हमारी प्रेमिका जो रह चुकी है। ले जाओ इसे। तुमने मुझे खुजू, मगर ये याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। मैं अपना दिल वापस लेने जरूर आऊंगा। ये सौदा ऐसे ही होगा। तुम्हें बच्ची चाहिए ना, तो फिर मेरा दिल वापस करना होगा तुम्हें। हो सकता है तुम बहुत ताकतवर हो गई हो, लेकिन मैं भी कुजू तुम्हारी शर्तों पर अपने फैसले नहीं बदलूंगा। इतना घमंड? तो फिर खुशी को मुझसे लेकर दिखाओ।
कुछ मत करो। आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ पे आपके साथ चलूंगी। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। पापा प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो काली परी आपको मार डालेगी। देखा कुछ, ये बच्ची तो तुमसे भी ज्यादा समझदार निकली और तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं खुशी को जंगल ले जा रही हूँ। अगर रात तक तुमने मेरा दिल वापस नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर, ये जादूगरनी मेरी बेटी को जादुई जंगल में ले आई है। आपको जैसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बच्ची आपको वापस मिलेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं है, इस बच्ची को हमारे हवाले कर, तुम जाओ। आखिरी बार कह रही, लौट जाओ तुम लोग, मत पड़ो इस सब में, ये मेरी अपनी जंग है। इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो वरना मैं गोली मार दूंगा। इस जंगल से इस बच्ची को कोई नहीं ले जा सकता। बत्ती बुझाया क्या किसने? हाँ? खुशी कहाँ चली गई? कभी? खुशी, खुशी, कभी? अरे हमने तो यहीं थी। खुशी चली नहीं गई, उसे कुजू ले गया है। आप लोग कैसे भी करके खुशी को बचा लीजिए। नहीं बचा लो मतलब क्या? वो हेलो, वो उसका बाप है। अगर उसको बचाने की जरूरत है ना, वो तेरे से बचाने की जरूरत है और किससे नहीं। कुजू खुशी का बाप नहीं है। क्या? एक मिनट, तो फिर किसकी बेटी है वो? खुशी प्रकृति की बेटी है। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, खुशी सचमुच कुदरत की बेटी है। अरे ओ भाई, क्या गोली दे रहे हैं आप? अरे ये कुदरत की बेटी क्या है यार? ऐसा ना हो कि आपको विश्वास दिलाने में बहुत देर हो जाए और कुजो खुशी को नुकसान पहुंचा दे। आप लोग एक बार मेरा विश्वास करके तो देखिए। बात बताओ, तुम खुशी को कुसू से क्यों बचाना चाहते हो? दरअसल मेरी सारी ताकत मेरे दिल में है और कुसू वो दिल चुरा के ले गया है। इसका मतलब कुसू आपकी ताकत लेके चला गया? जी नहीं, उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ कुदरत की बेटी कर सकती है। तो इसीलिए कुसू खुशी को लेकर गया, राइट? जी हाँ, और इसीलिए मैं खुशी को यहाँ उठा कर लाई। बवाल है यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे पल्ले पड़ा भाई, तेरे पल्ले पड़। देख, उसको जब अपुन ने देखे ना, तो उसके अंदर ऐसा कोई पावर और ऐसा तो कुछ था नहीं। तो फिर खुशी को वो सारी ताकत आज रात मिलने वाली है। आज रात ही क्यों? क्योंकि आज रात चांद और सारे तारे एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा योग 21 साल बाद आता है। आज रात पूरा चांद होते ही मेरे दिल को सारी ताकतें मिल जाएंगी और खुशी बहुत ताकतवर हो जाएगी। और तुम्हें डर है कि ये कुजू उस खुशी की ताकतों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो उसे अपना पिता मानती। वो ऐसा ही करेगा। कुजू एक बहुत खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग खुशी को और मेरे इस जंगल को बचा लीजिए, बचा लीजिए। ये कुजू खुशी को लेके कहाँ पे गया?
ये कौन सी जगह है? ये हमारा महल है और आज हम यहाँ एक बहुत बड़ी पूजा करने वाले हैं। किस लिए? वो इसलिए ताकि हमारी बेटी बहुत ताकतवर बन जाए। जो चाहे करे सब उसकी बात माने। कौन मैं? हाँ बेटी। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सबसे ताकतवर बन जाओगे तो अपने पापा की सारी बातें मानोगी? हाँ, मैं हमेशा अपनी पापा की बात मानूंगी और उस काली परी को भी आपको लेकर नहीं जाने दूंगी। शाबाश, चलो अच्छा हुआ आपको आपकी बेटी तो मिल गई। हाँ वो जादूगरनी ने बहुत परेशान किया, लेकिन आप लोग की वजह से मुझे मेरी बेटी मिल गई। और उस जादूगरनी का क्या हुआ? मर गई होगी अब तक वो। चलो ठीक है, वो सब तो देख लेंगे, लेकिन अभी आपको हम लोग के साथ चौकी चलना पड़ेगा। क्यों? एक बच्चे के किडनैप और एक जादूगरनी के मरने का केस है, चौकी तो चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी। और पूछताछ करनी है तो आपको हमारे साथ तो चलना ही होगा। देखिए मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस मुझे अभी किसी पे कोई केस वेस नहीं करना। देखो सर, अभी ऐसा है ना कि ये अगवा होने का केस दर्ज हुए थे, तो आपको तो बनता है ना पुलिस चौकी चल। आ जाओ, आपको मैं पीछे हो जाओ ऑफिसर, ये मेरा राज्य है, यहाँ वही होगा जो मेरा हुक्म होगा। रोशना एकदम बराबर बोली थी। रोशना? वो जिंदा है? क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। कौन मरने वाला है इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। सिपाहियों, मार तो मैं तुम लोगों को अभी सकता हूं, लेकिन क्या है कि खून से रंगे हाथों से पूजा में बैठना शुभ नहीं होता है। कैद कर लो इन सबको। आओ बेटा। फटाक से यहाँ से निकलना पड़ेगा, खुशी और जंगल का टेंशन बढ़ते जा रहे। मुझे इंतजार था, आज वो वक्त आ गया है, आज मेरा सपना जरूर पूरा होगा और मैं बनूंगा इस जादुई जंगल का राजा। कुजू
Kuzu, the king of the magical jungle. क्या किया तुम लोगों ने? मेरा सदियों का सपना चकनाचूर कर दिया। जो सपने कांच के होते हैं, वो अक्सर आंख में छुप जाते हैं। आज तुम में से एक भी ऑफिसर इस महल से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये शाने, तुम लोग मरने के बाद भी ना पब्लिक हम लोग को सलाम ठोकती है, समझा क्या? तू जिंदा रहते हुए भी कीड़े की तरह पैर में मसला जाएगा। ठीक, अगर ये दिल मेरे काम नहीं आ सकता है, मैं किसी के काम नहीं आने दूंगा। मैं इस खुशी को ही मार दूंगा। रोशना, तुम यहां क्यों आई? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा यहां आना बहुत जरूरी था। पापा, आपने काली परी को क्यों मारा? सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा। जानता था कि रोशना की जगह खुशी ही लेने वाली। सोचा था कि प्यार से उसे अपने कब्जे में करके सारी सारी दुनिया पर राज करूंगा। मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन जीतने किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। इसका क्या करे? खुशी का इसे साथ में लेकर चलते हैं। वैसे भी अब इसका यहाँ पे तो कोई है नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी जंगल में रहूंगी। मैं कुदरत की बेटी हूँ और ये जंगल ही मेरा घर है, और यहाँ पे रह के मैं इसकी रक्षा करूंगी।